अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फाइका सन। आई होप यू ऑल डूइंग वेल, सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खुशामदीद अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत अमेजिंग, बहुत बेनिफिशियल सीरम की रेमेडी शेयर करूंगी। हेयर सीरम, फेस सीरम, डिफरेंट सीरम्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बट ये सीरम है स्पेशली आपके हाथों के लिए। फेस के साथ, बालों के साथ ज़रूरी है कि आप अपने हाथों पैरों का भी ख्याल रखें। स्पेशली समर्स में, विंटर्स में हम लोग धूप में ज़्यादा निकलते हैं, सनब्लॉक यूज़ नहीं करते, तो हाथों पे सन टैन हो जाता है, उसकी वजह से रिंकल्स हो जाते हैं और हाथ ड्राई भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सीरम जो है ना, वो ऑल इन वन काम करेगा, आपके हाथों पे से जो है रिंकल्स हैं उसको रिड्यूस करेगा, आपके हाथों को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो एंटी एजिंग के लिए काम करती हैं। तो आपने इसको अपने हाथों पर यूज़ करना है, इवन फीट पर भी कर सकते हैं, हाथों के लिए है स्पेशली ये। साथ में सनब्लॉक भी यूज़ करें, इसको भी यूज़ करें, तो अगर आपके सन टैन का इशू है तो वो भी कम हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये सीरम कैसे बनेगा, क्या क्या चीज़ें मैंने इसके अंदर यूज़ की हैं, कैसे आपको यूज़ करना है, क्या इसके और बेनिफिट्स हैं, सब डिटेल में बताऊँगी। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले आपने 5 से 6 चम्मच चावल लेने हैं, उसको 2 कप पानी के अंदर भिगो देना है पूरी रात के लिए। 2 कप पानी इसलिए कि जब आप चावलों को बॉईल करेंगे तो आधा कप पानी जो है वो ऑलरेडी आधा पानी ड्राई हो जाएगा, तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के चावलों को भिगोएं। जब आप सुबह उठेंगे तो चावल थोड़े से फूल चुके होंगे और फिर इसी पानी के साथ आपने चावलों को पकाना है। चावलों को वॉश करिएगा, उसके बाद आप भिगोइएगा, ऐसे नहीं भिगोइएगा ताकि वो क्लीन हो बिल्कुल। देन आपने उसी पानी के साथ किसी पैन पतीली में डाल के चावलों को पकाना है, और अलग से ना आपने पानी ऐड करना है, ना इसके अंदर सॉल्ट वगैरह ऐड करना है। इतना पकाना है कि चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, उसमें थोड़ा सा पानी बाकी रहे। पहले आप हाई फ्लेम पे पकाएं, जब उसमें थोड़ा सा बॉयल आने लगे तो आप फ्लेम को मीडियम कर दें। चमचा आप चलाती रहिएगा, नज़र रखिएगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि उसमें कितना पानी बाकी है, किस पॉइंट पर आपको जो है फ्लेम बंद करनी है। थोड़ी देर बाद ही चावल जो है वो रेडी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी तो होगा नहीं, तो आपको वो उसको रख के चूल्हे पे छोड़ना नहीं है, आपने चेक करना है बीच बीच में। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, इस पॉइंट पे मैंने फ्लेम बंद कर दी थी बिल्कुल, ये चावल हो गए रेडी। इसमें इतना पानी हो कि बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना लगे और चावल उसके अंदर तैरें भी ना। पानी का इसमें होना लाजमी है, क्योंकि जब ये ठंडे होंगे तो उसके बाद ये बिल्कुल इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा, तो ज़रूरी है थोड़ा सा पानी बाकी रहे। मैं चमचे के साथ इसको मैश कर रही हूँ ताकि जब मैं इसका स्टार्च निकालूँ, उसका पानी निकालूँ, तो वो ईजीली निकल आए। इस तरीके से आपने चावलों को बॉयल करना है। हम राइस स्टार्च, राइस का जो पानी है वो अपने सीरम के अंदर यूज़ करेंगे। ये एक बहुत अच्छा जो है बेनिफिशियल इसका जो है स्टार्च होता है, बहुत बेस्ट है एंटी एजिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए। देन आपने जब चावल आपके ठंडे हो जाएं तो आपने कोई भी जाली, कोई भी छलनी वगैरह लेनी है और उसके अंदर इस तरीके से इसका पानी जो इसका स्टार्च है उसको आपने छानना है। हमें चावल नहीं चाहिए, चावल का जो स्टार्च है जो हमने पकाया है और हमने पूरी रात सोक करके रखा था, उसी पानी को हमने जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया और इसी स्टार्च के साथ हम सीरम बनाएंगे। इस तरीके से आप जो है 2-3 चम्मच डाल के छलनी में इसको इस तरीके से छान लें। आपको जैसे ईजी लगे, आपके पास छलनी है, जाली वाला कपड़ा है, जो आपको ईजी लगे उस तरीके से आप पानी निकालें। इवन आप हाथ से भी दबा के निकाल सकते हैं, बाद में आप छान लें, अगर उसमें थोड़े बहुत चावल आ गए तो वो भी निकल जाएंगे। तो ये पानी हम यूज़ करेंगे अपने हैंड सीरम के अंदर, जो कि नॉर्मली मैंने आपको एक एंटी एजिंग क्रीम भी बनाना सिखाई थी फेस के लिए, उसमें भी मैंने स्टार्च जो है चावलों का यूज़ किया था, क्योंकि ये बेस्ट एक नेचुरल चीज़ है। ये आपका स्टार्च निकल आया है चावलों में से, अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच भर के एलोवेरा जेल। जी हाँ, अब ये एलोवेरा जेल जो है ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में घर में बनाना भी सिखाया था। अगर आपको नहीं पता कि एलोवेरा जेल आप घर में कैसे बना सकती हैं, 3 से 4 महीने के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकती हैं, तो आप आराम से मेरी वीडियो देखें, घर में बनाएं और इसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं। एलोवेरा डालने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच डालना है ग्लिसरीन 1 टेबल स्पून। उसी के साथ आपने इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है, जैसे कि आपने इसमें ऐड करना है पिंच ऑफ टर्मेरिक। काफ़ी लड़कियाँ समझती हैं कि अगर वो हल्दी वाला सीरम, हल्दी वाली क्रीम या मास्क हाथों पे लगाएंगे तो उनके हाथ पैर भी पीले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आप क्वांटिटी कितनी ले रही हैं। उसके साथ मैंने यहाँ पे 10 से 12 ड्रॉप्स लिए हैं जोजोबा ऑयल के। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप विटामिन ई के 3 कैप्सूल्स डाल दें या फिर विटामिन ई का ऑयल डाल दें।
अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि हल्दी, ऑयल, पानी सब कुछ आपस में बिल्कुल डिजॉल्व हो जाए, वो एक बिल्कुल अच्छी सी उसकी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी हो जाए। अभी आपको ये बहुत वाटरी लग रहा है, जब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो ये सारा जो है थोड़ी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो क्रीमी हो जाएगी। जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाए तो आपने कोई बॉटल लेनी है, उसके अंदर आपने सीरम को कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे बॉटल ली है सीरम वाली, आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी कंटेनर, कोई भी बॉटल ले लें, जो भी आपके पास है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको इजी लगे, जो भी घर में मौजूद है उसी में आप इसको डालें और बना के रख दें। अब आपने इसको स्टोर ऐसे करना है कि अगर तो बहुत गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करें एक हफ़्ते के लिए, और अगर सर्दी है तो आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से इतना सा सीरम आपने लेना है, अपने हाथों पे अप्लाई करना है, ये इनफ है, आपके हाथों को मॉइस्चराइज कर देगा। बट अगर बहुत सर्दी है और इसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपके हाथ ड्राई हैं तो आप इसके बाद अप्लाई कर लें मॉइस्चराइज़र। उसके अलावा आप इसको अगर ठंड है तो आप 15 दिन के लिए भी इवन इसको स्टोर कर सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो ज़बरदस्त आपका हैंड सीरम हो चुका है रेडी। अब मैं आपको बाकी की डिटेल्स बताती हूँ वीडियो में आगे कि आपको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, सारी डिटेल्स। एंड बेस्ट सीरम है ये, ज़रूर ट्राई करेगा, इवन आप इसको अपने फीट पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे ये सीरम रेडी हुआ, सारी चीज़ें वो हैं जो आपके आपके किचन से मिल जाएंगी, आराम से आप इसको बना सकते हैं, सस्ता और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। आपने इसको एक हफ़्ते के लिए स्टोर करना है, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं करना। अगर तो सर्दियां हैं तो आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, बट अगर गर्मी है जैसे कि यहाँ पर गर्मी है तो आपने इसको अपने फ्रिज में रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसको यूज़ कैसे करना है। आपको रात को सोने से पहले इसको अपने हाथों पर अप्लाई करना है, उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन, कोई क्रीम थोड़ी सी लें, वो उसके ऊपर लगा लें, ठीक है। ये तरीका है इसको यूज़ करने का, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। अगेन कंसिस्टेंसी इज़ अ की, डेली लगाएं, कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करें तब भी रिजल्ट्स मिलेंगे। और सुबह दिन में लाजमी अपने हाथों पे सनब्लॉक लगाएं। बिलीव में आप कोई भी चीज़ अपने हाथों पे लगा लें लेकिन सनब्लॉक नहीं लगा रही तो कोई चीज़ असर नहीं करेगी। तो सनब्लॉक भी लगाएं, कोशिश करें कि अपने हाथों को कवर रखें अगर आप धूप में जा रही हैं, सनब्लॉक भी साथ में लगाएं और इस सीरम को डेली रात को यूज़ करें। उसी के साथ आप इसको अपने फीट पे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके फीट ड्राई हैं और बहुत ज़्यादा टैन हैं। फेस पे यूज़ नहीं करना, आप इसको हैंड पे और फीट पे यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली ये हैंड सीरम है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, किसी भी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ लें। दुआओं में याद रखिएगा और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा। बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।